क्या हो जब तुम्हारा पहला जो भी ऐसी जगह लगे जहां से आप जिंदा लौटोगे या नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तो आज की कहानी शुरू करने जा रहे हैं हम। अभी ड्यूटी जाना है तो ड्यूटी जाते जाते तैयारी करें। तो भाइयों और बहनों और मेरी यूट्यूब फैमिली, ये बात है नवंबर 2011 की, 13 नवंबर 2011। ये वो दिन था जब एक छोटे से गांव, राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकलकर एक ऐसे शहर, ऐसे देश दुबई में पहुंच गया जहां जाने का लाखों लोगों का सपना होता है। तो भैया हम भी नौकरी की तलाश में पहुंच गए दुबई, सपनों का शहर, सपनों का देश दुबई। दुबई की चकाचौंध भरी दुनिया में हम भी खो गए थे। बहुत कुछ था देखने को, करने को, लेकिन हम तो आए थे एक नौकरी की तलाश में। और हुआ यूँ, काफ़ी कंपनीज में इंटरव्यू देने के बाद में फाइनली हमारा सिलेक्शन हो ही गया, और वो भी अफगानिस्तान के लिए। फाइनली काफ़ी कंपनीज में इंटरव्यू देने के बाद हमारा सिलेक्शन हुआ अफगानिस्तान के लिए, MCS, मटेरियल कंट्रोल स्पेशलिस्ट। और 26 जनवरी के दिन पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और हम पहुंच गए ऐसी जगह जहां से कोई ठिकाना नहीं था कि वापस आएंगे। अफगानिस्तान एंट्री के लिए एक बढ़िया सा म्यूजिक हो जाए। तो सुना तो बहुत था अफगानिस्तान के बारे में कि वहां बहुत गर्मा गर्मी है, और देख भी लिया। अफगानिस्तान पहुंचने के 3 दिन बाद में फट के हाथ में आ गए थे। सबको नानी याद आती है, पर मुझे मेरी माँ याद आई। मुंह से निकला माँ, क्योंकि बॉम्ब गिरा था, हालत सख्ता हो गई थी। पापा को फोन लगाया, पापा भी उस टाइम अफगानिस्तान काम करते थे, और पापा ने क्या कहा पता है? बेटा जब मौत आएगी ना, तो इंडिया में हो चाहे अफगानिस्तान में, कहीं पे भी हुआ, एक दिन आनी है। और ये यहाँ जो सैलरी मिल रही है ना, वो अपने को इंडिया में नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं लगा बापू भी ठीक बोल रहे, आनी तो है एक दिन। तो सीना चौड़ा करके हम लोग भी शुरू हो गए काम करने के लिए। तो मन में ख्याल आया, एक राजस्थान के छोटे से गाँव से निकल कर ये कहाँ आ गया। कहीं ना कहीं डर भी था मन के अंदर, और कहीं ना कहीं पैसे भी कमाने थे, इसलिए हमने भी भैया काम शुरू कर दिया। आग बंद करके सोचा जो होगा देखा जाएगा, छोड़ देते भगवान भरोसे। तो मैंने वहाँ काम करना शुरू कर दिया। 3 साल काम किया। उन 3 सालों में बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे, अच्छे दोस्त भी बनाए, बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे भी देखे। तो भैया यहाँ नज़ारों से मतलब ये नहीं है मेरा, मैंने कि वहाँ लेह लद्दाख वाली जैसी घाटियाँ और अपना हिमालय पर्वत जैसी वादियाँ वो देखा, नहीं, वो था मौत का मंजर। तो वो जो 3 साल थे, उन 3 सालों में कहीं ना कहीं हम तंबू में रहना और नए नए दोस्त बनाना, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग दोस्तों के साथ काम करना, मतलब था बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ा आया, कांट कंप्लेन, अच्छा भी लगा। तो उन 3 सालों में हमने क्या किया क्या नहीं किया, अगर उसके बारे में अगर वीडियो देखना है तो कमेंट करना, कमेंट में मैं आगे एक इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। तो आगे की कहानी मिलते हैं शाम को, मगर हम शाम को मेरा मतलब है कि नेक्स्ट एपिसोड में, अगले भाग में। पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, पूरा जरूर देखें। और अगर काम पसंद आया हो, स्टोरी टेलिंग अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।